हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेटिंग इंस्टीट्यूट पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे आप सबको पता ही है, ओ लेवल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं और उसी सीरीज में अभी हम M2 मॉड्यूल की एक क्लास आज लेके आई हूँ आपके सामने। और जो क्लास है वो रहेगी आपकी जावास्क्रिप्ट। आप सबको पता ही है जावास्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है M2 मॉड्यूल के अंदर। ये प्रैक्टिकल में भी जितना इम्पोर्टेंट है उतनी इसकी अहमियत हमारी थ्योरी के अंदर भी है। तो आज जितने मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चन हमसे कवर हो पाएंगे 6th चैप्टर के, वो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के किसी भी टाइम हमसे वो पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इनके हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हमें इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन होती है कि ए आएगा या बी आएगा, 50-50% होता है। तो उस टाइम पे हमें पॉसिबिलिटी पहले डिस्कार्ड करने की करनी चाहिए कि कौन सा आपका नहीं है। पहले आप डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दो, फिर उसको फिट करो। अगर लास्ट में क्या रह जाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, उनमें से देखो कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है। जैसे आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी रोल नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। और थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन इस PDF फाइल में हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो अब की बार आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम, जो पहले जावास्क्रिप्ट का नाम था वो क्या नाम था जावास्क्रिप्ट का? मोचा लाइव उसका नाम था। अगर हम जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में बात करें, मोचा लाइव स्क्रिप्ट इसका नाम था। लेकिन बाद में नेक्स्ट जो नेविगेशन, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम इसका मोचा लाइव स्क्रिप्ट से अब क्या है, अब है इसका जावास्क्रिप्ट है। लेकिन पहले नाम क्या था इसका? मोचा लाइव था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज, तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। दो तरह के वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है। जो लोकल वेरिएबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हो आप, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो। ऐड नाम का सपोज मैंने फंक्शन बनाया, करली ब्रैकेट स्टार्ट करी, क्लोज करी। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ वेर ए इज इक्वल टू 10, तो ये मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोकल वेरिएबल। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा ले लेती हूँ वेर बी इज इक्वल टू 5, तो जो बी है आपका वो क्या है, आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है। तो बी क्या होगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा और ए हमारा कौन सा होगा, लोकल वेरिएबल होगा। तो अगर हम इनके स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब जो लोकल वेरिएबल है उसकी लाइफ कितनी होगी, अब जैसे आप एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड ही ले लो, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड बाहर कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके दिखाओगे, वहां पे वो वैलिड नहीं होगा। वो कहाँ पे वैलिड होगा, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो बना हुआ है। तो सेम ऐसे ही लोकल वेरिएबल होता है, इसकी जो लाइफ लाइन होती है विद इन फंक्शन ओनली, इस फंक्शन के अंदर ही क्या रहेगी, इसकी लाइफ रहेगी। जैसे ही कंट्रोल फंक्शन से बाहर आता है तो ये क्या है, मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल आपका आउटसाइड द फंक्शन है, इसमें फंक्शन का कोई रोल नहीं है। जितना आपका प्रोग्राम है, जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका कंट्रोल क्या होगा, इसका जो स्कोप होगा वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा लोकल और ग्लोबल के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं।
डिक्लेयर आउटसाइड द वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो हम ग्लोबल को डिक्लेयर करते हैं कहाँ करते हैं, आउटसाइड द फंक्शन। और दूसरा मेथड होता है, हम इसको विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे कई सारे विंडो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के रिगार्डिंग क्या चीज इसमें से ट्रू है। तो देखो वेरिएबल तो हमने समझ लिया क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब बात आती है, ये तो इनके टाइप्स होगी और इसकी डेफिनेशंस होगी। अगर हमें वेरिएबल बनाना ही नहीं आया तो क्या हम वेरिएबल को यूज कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए वेरिएबल का कि कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए इसके बस बहुत इजी से क्या है रूल है, सबसे पहला रूल क्या बोलता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कि आप अल्फाबेट ले सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट ले सकते हो, आप कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हो, प्लस स्पेशल सिंबल इसमें सिर्फ दो ही यूज होते हैं, वो है एक तो डॉलर आप ले सकते हो और एक अंडरस्कोर ले सकते हो। इनसे आपको क्या करनी है, वेरिएबल नाम की स्टार्टिंग करनी है। एक बार फिर रिपीट करते हूँ, आप भी मेरे साथ करना, क्या क्या हो सकता है वेरिएबल में, हमारे लोअर केस हो सकते हैं, अपर केस हो सकते हैं और दो क्या आएंगे हमारे स्पेशल सिंबल आएंगे। अगर इन तीनों के अलावा किसी और से हमारे वेरिएबल की स्टार्टिंग होती है तो वो क्या होगा, इनवैलिड वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 AB = 5, तो अगर मैं आपसे किसी से पूछूं क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो आपको स्टार्टिंग देखनी है, स्टार्टिंग इसकी किससे हो रही है, डिजिट से। और मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, या तो स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर और डॉलर। अगर इन तीनों के अलावा किसी और से वेरिएबल की स्टार्टिंग होती है तो वो क्या होगा, इनवैलिड वेरिएबल होगा। अब बात रही डिजिट की, डिजिट हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 0 से 9 तक हम डिजिट ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी हम डिजिट का यूज नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इनवैलिड वेरिएबल होगा। तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में डिजिट का यूज नहीं करना, किसका करना है, अल्फाबेट का, वो स्मॉल भी हो सकते हैं, वो अपर भी हो सकते हैं। ये तो रही हमारे दो रूल हमारे हो चुके हैं। तीसरा रूल क्या है, स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल हम दो यूज कर सकते हैं वेरिएबल में, पहला कौन सा है, अंडरस्कोर, और दूसरा कौन सा है हमारा डॉलर। मैं उल्टा बोल दी, पहला डॉलर है हमारा और दूसरा कौन सा है, अंडरस्कोर। अगर इन दोनों के अलावा कोई और आपको स्पेशल सिंबल दिखे कहीं पे भी तो वो क्या होगा, इनवैलिड माना जाएगा। एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का अपने आप में ही। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया AB#, देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग तो हो रही है हमारी अल्फाबेट से, लेकिन बाद में क्या आ गया, इसके हैश आ गया, तो क्या है ये, वैलिड है या इनवैलिड है, देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, एक स्पेशल सिंबल है। तो स्पेशल सिंबल कौन से आ सकते हैं, सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर। तो अगर ये हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल है, इसका मतलब ये क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि इनमें से कौन सा वेरिएबल के उसमें ट्रू है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही आपकी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर जावास्क्रिप्ट ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो जितनी चीजें आप उसके अंदर करोगे सारी क्या होगी, केस सेंसिटिव होगी। अब केस सेंसिटिव कुछ बच्चों को आई थिंक नहीं पता कि केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जहां पे कैपिटल और स्मॉल में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग वैल्यू जहां पे होगी वो क्या होगा, केस सेंसिटिव। और जहां पे चाहे आप छोटे लिखो चाहे आप बड़े लिखो कोई भी फर्क ना पड़े वो क्या होती है, नॉन केस सेंसिटिव। जैसे हमारी HTML लैंग्वेज है, HTML कैसी है, नॉन केस सेंसिटिव है। आपने देखा होगा हम कैपिटल टैग्स का भी यूज करते हैं और हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल टैग का भी यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी आउटपुट पे फर्क नहीं आता। लेकिन जावास्क्रिप्ट कैसी आपकी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आपने ऊपर वेरिएबल का नाम ए लिया है और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप क्या करा रहे हो, कैपिटल ए को प्रिंट करा रहे हो, तो वो क्या होगा, इनवैलिड माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। तो ये पहला बिल्कुल ही करेक्ट है हमारा। सेकंड क्या है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद न्यूमरल, बिल्कुल सही बात है ये भी। किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो स्मॉल अल्फाबेट
या कैपिटल अल्फाबेट या फिर हमारा जो हमारे स्पेशल सिंबल है, एक तो आएगा डॉलर और दूसरा क्या आएगा अंडरस्कोर, अगर इनसे स्टार्टिंग हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब क्या हम न्यूमरल यूज कर सकते हैं वेरिएबल में? बिल्कुल कर सकते हैं न्यूमरल हम, लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या है, इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग हम किससे, न्यूमरल से नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया ए बी टू इज इक्वल टू 10, मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट वेरिएबल नेम है हमारा। क्यों? क्योंकि हम जो डिजिट है 0 से 9 आप मिड में कहीं पे यूज कर सकते हो, आप लास्ट में कहीं पे यूज कर सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट नंबर पे कभी भी डिजिट का यूज नहीं करोगे। तो स्टार्टिंग आप कभी भी न्यूमरल से नहीं करोगे, लेकिन मिड में और लास्ट में आप न्यूमरल यूज बिल्कुल कर सकते हो। थर्ड है हमारा, यू शुड नॉट यूज एनी ऑफ द जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स है उनका हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि कुछ कीवर्ड्स उन्होंने बना के जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में रख दिए, हम उनको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उनका खुद का ही पहले से ही कुछ ना कुछ वहां पे मीनिंग बना के उनको स्टोर कर दिया गया। अगर हम उनको एज अ वेरिएबल यूज करेंगे तो इंटरप्रेटर क्या देगा हमें, एरर जनरेट कर देगा वहां पे। तो कभी भी हमें जितने भी हमारे कीवर्ड्स है उनको हम वेरिएबल नहीं ले सकते। तो ये हमारे तीनों ही पॉइंट्स ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबोव। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑफ फंक्शन और मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड। एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अगर हम क्या कर रहे हैं उसको कॉल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसको, फंक्शन को। या तो हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन, फंक्शन को, और क्या बोल सकते हैं, मेथड। जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा इनवोकेशन एक्सप्रेशन। इसको इनवोकेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या बोल रही है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनवोक। इनवोक का करना क्या होता है, बुलाना। तो अगर कोई फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसको, एक्सप्रेशन को, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवोकेशन एक्सप्रेशन हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको कैसे करना है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन एक कीवर्ड है हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन। उसके बाद जो भी आपको फंक्शन बनाना है उसका नाम, सी ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओपन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओपन। तो ये क्या है हमारा, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है। तो फंक्शन को बनाने के लिए हम अभी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला है हमारा फंक्शन कॉलन, उसके बाद क्या है, माई फंक्शन, बिल्कुल ये क्या है आपका रॉन्ग है। उसके बाद फंक्शन इज इक्वल टू, ये भी बिल्कुल गलत है। फंक्शन डॉट माई फंक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या है, फंक्शन कीवर्ड है, माई फंक्शन फंक्शन का नाम है, सी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो द करेक्ट आंसर इज बी आएगा आपका इधर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपको एंगुलर पता होना चाहिए, व्हाट इज एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस क्या होती है, एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। और एंगुलर जेएस का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कभी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी होती है तब हम किसका यूज करते हैं, एंगुलर जेएस का यूज हम कर सकते हैं। अब एंगुलर जेएस का यूज सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बात। और क्या होता है, इसमें क्या बनते हैं, इसमें मॉड्यूल बनते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको ये क्या कर देगा, टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, और हर एक का क्या बनाएंगे हम, एक मॉड्यूल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ओ लेवल ही ले लो, ओ लेवल में कितने मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। तो अगर हम एंगुलर जीएस के थ्रू ओ लेवल के नाम की कोई वेबसाइट अगर हम बनाए तो कितने मॉड्यूल हम बना सकते हैं, 4 मॉड्यूल। M1 मॉड्यूल में M1 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, M2 में M2 के बारे में, और M3 में, और ऐसे ही M4 में। तो हर एक मॉड्यूल में क्या रखेंगे हम, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट होता है, पहली बात वो सॉल्व बहुत ईजी हो जाएगा,
दूसरा क्या होता है, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। तीसरा क्या होता है, उसमें टीम वर्क भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि M1 कोई और उसको करेगा सोल्व, M2 को कोई और करेगा, M3 को कोई और करेगा, एंड M4 को कोई और वहाँ पे सोल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल। एंगुलर मॉड्यूल अगर आपको बनाना है, सबसे पहले वेर कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया, यहाँ पे ऐप नाम का वेरिएबल लिया, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मॉड्यूल का नाम और उसके बाद कोमा लगा के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको दिखा रही है यहाँ पे, कि ये मॉड्यूल किसी पर डिपेंड तो नहीं है। जैसे M1 मॉड्यूल क्या M2 पे डिपेंड है या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर डिपेंडेंसी होगी किसी मॉड्यूल की किसी मॉड्यूल के ऊपर, तो वहां पर उस मॉड्यूल का नाम लिखा जाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा, फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज टू कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कमेंट देने हैं तो आप किसका यूज करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। इसको देखो कैसे करेंगे। देखो अगर हमें HTML में कमेंट देने हैं, तो HTML में कमेंट तीन है हमारे पास, M2 में HTML है, JavaScript एंड CSS है, तीनों का हमें पता होना चाहिए। अगर हमें HTML में कमेंट देने हैं तो कैसे देंगे, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नॉट साइन और उसके बाद दो हाइफन लगाएंगे, एंड देन जो भी हमने कमेंट लिखना है वो हम कमेंट यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद दो हाइफन को क्लोज ऐसे। ये किसका है, ये है HTML का। ऐसे ही अगर हमें जावास्क्रिप्ट में भी कोई कमेंट लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम कमेंट लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डबल बैकस्लैश का यूज करेंगे। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का तरीका, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना है। कमेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाई वी यूज कमेंट या व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट। जब भी हमें यूजर को कोई हेल्प देनी होती है, जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया आज, मेरे को वो आज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, या फिर मेरे को किसी को वो भेजना है, या फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 6 महीने साल बाद इसको देखूँ तो मेरे को ये याद रहे, तो वहां पे हम ऐसे डबल कोट्स लगा के यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज अ वेरिएबल, ऐसे कुछ भी हम, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया वेर ए इज इक्वल टू ऐसे। तो यहाँ पे अगर मैंने कमेंट बनाया है, तो कमेंट पहली बात तो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, और ना ही कमेंट आपके ब्राउजर विंडो पे शो होते हैं, ना ये शो होंगे ना ये एग्जीक्यूट होंगे। तो सीधा सा मतलब है फिर क्यों यूज करते हैं हम यूजर की हेल्प करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर यूजर या फिर कोई और उस प्रोग्राम को देखे तो वो इजिली समझ जाए कि ये पर्टिकुलर चीज हमने किस लिए यूज कर रखी है। तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है कमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। अगर हमें एचटीएमएल एलिमेंट चेंज करना है तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। जैसे आपने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वैसे तो ये, तो अगर आपको कोई भी एचटीएमएल कंटेंट है वो चेंज करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, उस एलिमेंट को उठाएंगे जिसको हमें चेंज करना है। जैसे मैंने H1 के अंदर हेलो लिख रखा है, H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसकी आईडी ले रखी है मैंने, सपोज आईडी इज इक्वल टू इसकी आईडी, जैसे मैंने ले ली यहाँ पे डेमो, कि यूजर जैसे इसको करे तो यहाँ पे हेलो की जगह कुछ और आए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को कैसे गेट कर रही है, आईडी के थ्रू, और इसकी आईडी क्या दी है मैंने, डेमो, तो उसका नाम लिखो। डॉट इनर एचटीएमएल आप कब यूज करोगे, जब आपको सेम पेज पे ही चीजें चेंज करानी होती है, इज इक्वल टू जो आपको मैसेज प्रिंट कराना है या चेंज कराना है वो आप लिख सकते हो। तो जैसे ही पेज आपका एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हेलो की जगह क्या दिखेगा आपको, हेलो वर्ड दिखेगा। तो अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट की आपको यहाँ पे आईडी देना है, डॉट इनर एचटीएमएल, और उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई जावास्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड। जावास्क्रिप्ट इंजन क्यों नीड है भाई हमें जावास्क्रिप्ट इंजन की। तो पहला क्वेश्चन है, बोथ कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट। अगर हमें जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करना और इंटरप्रेट करना तो हमें इसकी नीड है, या फिर पार्सिंग द जावास्क्रिप्ट, हमें जावास्क्रिप्ट को पार्स करना है
या इंटरप्रेटेड द जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करना है या कंपाइल करना है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, कौन सा ट्रांसलेटर हम इसमें यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं या इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। फर्क क्या होता है इंटरप्रेटर में और इसमें क्या बोलते हैं कंपाइलर में। अगर आपने कंपाइलर यूज कर रखा है, सपोज करो ये आपका प्रोग्राम है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एकदम से कंपाइल कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और नंबर ऑफ एरर्स अगर होंगे तो उनकी लिस्ट वो दे देगा। लेकिन इंटरप्रेटर इसका अपोजिट होता है, ये क्या करेगा, सपोज करो आपका सेकंड लाइन में कोई एरर आ गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा, जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे ये थर्ड लाइन पे मूव नहीं करेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, और कंपाइलर क्या करेगा, पूरी फाइल को एकदम से कंपाइल करके आपको दिखा देगा। तो इसमें बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे, इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें इंजन की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जहाँ पे हम कई सारी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक या फिर एक ब्लॉक बना के बैठ जाओ आप, उसका मतलब क्या होता है कि कई सारी चीजों को हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में क्या होगा, कई सारी स्टेटमेंट को एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। देखते हैं हमारे कंडीशनल ब्लॉक, जो ब्लॉक है क्या वो कंडीशनल ब्लॉक होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ब्लॉक दैट कंबाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट, एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा कई सारी स्टेटमेंट को। अगला है बोथ कंडीशनल ब्लॉक और सिंगल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता। जो ब्लॉक होता है उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती है। ब्लॉक दैट कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ब्लॉक है तो उसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें वहां पे दिखेगी। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू द एचटीएमएल व्यू। अगर हमें क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, एनजी बाइंड तीन डायरेक्टरी है। देखो आपके पास अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो, एक ये है एनजी मॉडल है, एनजी ऐप है और एनजी बाइंड है। एनजी बाइंड क्या काम करेगी, एचटीएमएल टैग को एचटीएमएल डेटा से बाइंड कर देती है, मतलब कि जो टैग आपने यूज कर रखा है उसकी वैल्यू एलिमेंट के साथ बाइंड करने का काम कौन करती है, एनजी बाइंड। तो ये क्या है, डायरेक्टली बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल व्यू या फिर एचटीएमएल एलिमेंट, कौन करता है ये काम, एनजी बाइंड करता है। एनजी मॉडल का क्या काम होता है, एनजी मॉडल जो क्या करेगी, ये बाइंड करेगी एचटीएमएल कंट्रोल की वैल्यू को। और इसमें तीन कंट्रोल्स आप बेसिकली यूज करते हो, कौन सा, एक तो इनपुट कंट्रोल आप यूज करोगे, एक आप इसमें सेलेक्ट यूज करोगे और तीसरा कौन सा यूज करोगे, टेक्स्ट एरिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि इनपुट सेलेक्ट या टेक्स्ट एरिया इनकी वैल्यू को कौन बाइंड करने का काम करता है, तो कौन करता है, एनजी मॉडल। तीसरी जो है एनजी ऐप, एनजी ऐप का क्या काम होता है, जब भी आप कोई भी एंगुलर जीएस में एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबसे पहले जो डायरेक्टिव हम यूज करते हैं वो कौन सी डायरेक्टिव है, एनजी ऐप डायरेक्टिव है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट हमारे एचटीएमएल सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है आपकी इवेंट बेस्ड लैंग्वेज। इसमें क्या होते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट एग्जीक्यूट होगा, फायर होगा या कॉल होगा, तो जो भी हमने उस इवेंट के अंदर चीजें मेंशन कर रखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसमें से कौन सा माउस इवेंट नहीं है, ऑन क्लिक हमने किया है, ऑन माउस ओवर भी किया है, ऑन माउस मूव भी किया है, लेकिन ऑन माउस स्क्रोलर कोई इवेंट नहीं होता। तो क्या आएगा इसमें, बी आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग व्यू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में क्या चीज करेक्ट है यहाँ पे, तो पढ़ते हैं हमारा एक्सप्रेशन बिहेव इन सेम वे एज एनजी बाइंड डायरेक्टिव। जो एक्सप्रेशन है वो बिहेव कैसे करते हैं, जैसे एनजी बाइंड डायरेक्टिव बिहेव करती है, सेम वैसे ही एक्सप्रेशन भी होते हैं। एक्सप्रेशन को आप किस में लिखते हो, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। उसके बाद एक्सप्रेशन आर यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल। जो काम एनजी बाइंड का होता है वही काम किसका होता है, एक्सप्रेशन का। देखो मैंने बोला था अभी प्रीवियस में, ये क्या करता है एप्लीकेशन डेटा को एचटीएमएल के साथ बाइंड कर देगा।
एक्सप्रेशन आर रिटन इन डबल ब्रैकेट्स लाइक, ये बिल्कुल सही बात है, डबल कर्ली ब्रैकेट में हम क्या क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो तीनों ही इसमें करेक्ट है, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर जेएस। अगर आपको क्या करना है, डेटा शेयर करना है किसके बीच में, एक तो कंट्रोलर के बीच में और व्यू के बीच में, तो इन दोनों के बीच में, कंट्रोलर है हमारा, व्यू है हमारा, इन दोनों के बीच में अगर आपको डेटा शेयर कराना है तो किसके थ्रू कराओगे आप, सर्विसेज के थ्रू। कई सारी सर्विसेज होती है हमारी जिनके थ्रू हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, डेटा को एक्सचेंज कराएंगे। तो मैंने ये उल्टा बना दिया, ऊपर व्यू होता है, नीचे कंट्रोलर होता है। व्यू को कौन देख सकता है, यूजर, और ये क्या होता है, कंट्रोलर हमसे हिडन होता है। व्यू की रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है, कंट्रोलर उसको देखेगा कि चीजें हैं या नहीं, अगर होगी तो बैक उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डेटा शेयर होता है वो कौन करेगा, सर्विसेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एंड वेयर आर नोन एज, फंक्शन क्या है, और वेयर क्या है, दोनों क्या है, ये कीवर्ड्स है। और कीवर्ड्स जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले से बना दिए जाते हैं और लाइब्रेरी में स्टोर कर दिए जाते हैं, उनको खुद का एक क्या होता है, मीनिंग होता है। तो हम उसको जो जिस चीज के लिए उनको बनाया गया उसी चीज के लिए हम यूज करेंगे, अपने तरीके से हम उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बोला था कि फंक्शन जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज नहीं करेंगे। तो जैसे फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक कीवर्ड है। तो हम अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेयर फंक्शन, मैं सोचूं कि फंक्शन नाम का मैं एक वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड्स है। और क्यों है ये, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है, फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन और वेरिएबल क्या है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है हमारे, ना ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ना ये वेरिएबल एंड फंक्शन स्टेटमेंट है, ये क्या है, डिक्लेरेशन। जबकि हमें वेरिएबल बनाना है या कोई फंक्शन बनाना है तो आगे हम इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे, उसके बाद ही हम फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद ही हम कीवर्ड्स बनाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, एनजी ऐप डायरेक्टिव इज यूज, जो एनजी ऐप डायरेक्टिव है, मैंने बोला था एनजी ऐप क्या है, मेन डायरेक्टिव है। अगर जब भी आप एंगुलर जेएस में कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, आप वहां पे यूज करोगे एनजी ऐप डायरेक्टिव का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंड के लिए नहीं करते, बोथ ऑफ द अबो नहीं आएगा, नन ऑफ द अबो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द बिलो डिव टैग कंटेंट स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम। अगर हमें यूजर नेम की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एनजी ऐप ले ली, ये है हमारी इनिशियलाइज्ड डायरेक्टिव। जब भी हमें कोई भी वेरिएबल एंगुलर जेएस के अंदर इनिशियलाइज कराने हैं तो हम एनजी आईएनआईटी इनिशियलाइज डायरेक्टिव बोलते हैं, इस डायरेक्टिव का यूज करेंगे। अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है तो फर्स्ट नेम क्या है, वेरिएबल, और जोन क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू है। उसके बाद इनपुट समथिंग इन द इनपुट बॉक्स, ये पी टैग के अंदर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, एनजी मॉडल में इन्होंने क्या कर दिया, यूजर नेम को बाइंड कर दिया। उसके बाद ये क्या करेंगे, यू रोड, और यहाँ पे ये इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे आई थिंक। तो इसने क्या बोला, अगर यूजर नेम इनको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सप्रेशन के अंदर यूजर नेम। जैसे ही हमने ये लिखा तो सपोज करो आप इसको अगर जब भी ब्राउजर पे देखोगे, आपने यहाँ पे लिखा मोहन, तो वही स्क्रीन पर दिख जाएगा, यू रोट मोहन, तो ऐसे आपको दिख जाएगा। तो एक्सप्रेशन का और एनजी बाइंड का सेम ही काम होता है। अगर आपको आउटपुट पे जब भी कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी होती है तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। ये डायरेक्टिव अभी आपने अभी नहीं देखी होगी, किसलिए यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। देखो बार बार क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं, बस हमें कंसेप्ट समझने की जरूरत है और कोई नहीं इसमें दिक्कत। ये क्या करेगा, बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। ये क्या करेगा, आपको
वैल्यू HTML कंट्रोल की, कंट्रोल्स जहाँ पे भी आए आपको किसको टिक करना है, एनजी मॉडल को टिक करना है। तो ये क्या करेगा, HTML कंट्रोल और एप्लीकेशन डेटा इन दोनों की वैल्यू को अगर बाइंड करना है तो आप किसका यूज करोगे, एनजी मॉडल का आप यूज करोगे। कंट्रोल कौन से हैं, एक बार दोबारा से आपकी रिविजन होती रहेगी, आप साथ साथ बोल भी सकते हो, सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं हम, टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं हम, और किसका यूज करेंगे, इनपुट का यूज करेंगे हम। तो ये तीनों क्या है हमारे एनजी मॉडल के अंदर, हम इन कंट्रोल का यूज कर सकते हैं वैल्यू को बाइंड कराने के लिए। अगला है विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अगर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर की फाइल। अगर हमने कोई बाहर फाइल बना रखी है और उसको हमें करंट डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, देखो अगर हमें किसी को कॉल करना होता है, किसी को बुलाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो ऐसे ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप कुछ भी नहीं समझती, सब कुछ हमें इसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई बाहर से कोई फाइल अपने पेज के अंदर कॉल करनी है, बुलानी है, तो हम क्या करेंगे, पूरा एक प्रॉपर सिंटैक्स लिखेंगे जिसके थ्रू उसको आने में आसानी हो जाए। तो क्या करेंगे हम, स्क्रिप्ट सोर्स और उस फाइल का नाम लिख देंगे और स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे। और ये हम कौन से टैग के अंदर करेंगे, हेड के अंदर, हेड स्टार्ट किया उसके बाद ये लिखना है एंड देन हेड को क्लोज करना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सटर्नल फाइल अगर हमें कॉल करनी है तो कहाँ पे करेंगे, हेड के अंदर, हमेशा ही हेड के अंदर हम कॉल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड की आउटपुट हमें बतानी है। ये पी लिया, इसकी आईडी इन्होंने डेमो रख ली, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लिया इन्होंने क्या, 10, जे एस मल्टीप्लाई 5। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नहीं सॉरी ऑपरेटर कौन सा है। अगर कोई बच्चा जिसने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से किया उसको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ऑपरेटर है, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने जैसे तुम्हें क्लास में भी बताया था, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर आपको करना है, क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकल के आएंगे ही आएंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले आपको एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए। अगर आपको एक्सप्रेशन बनाना आता है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्सप्रेशन हम पहले इसका बनाते हैं। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिखो पहले, जे एस मल्टीप्लाई, और जो राइट हैंड साइड में है वो इसको इसके साथ लिख दो, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, जो भी वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा जे एस। तो जे एस की वैल्यू कितनी है, जे एस की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 50 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, एक दो सम और मैं इसके करा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 लिया, यहाँ पे मैंने लिया ए स्टार को हम कर चुके हैं, ए इज इक्वल टू 10, ए माइनस इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है ना उसी के अंदर क्या होती है, स्टोरेज होती है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो पहले एक्सप्रेशन अगर हम इसका बनाए, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ए इज इक्वल टू ये वाली एज इट इज आपको लिखना है, ए माइनस, ए माइनस उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए कितना आएगा 5, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 5। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 50 का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओनली स्टेटमेंट इन द फ्लोइंग दैट इज करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही फाइंड आउट करनी है। देखो एक तो अगर जब भी आपको ये आए इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, नोट करेक्ट करेक्ट, ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो क्या हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटेड में वो नोट कहीं पे लिखा होता वो नहीं उनको दिखाई देता, कहीं पे लिखा होता वो नहीं दिखता, और नहीं लिखा हुआ होता वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर प्रोसेस प्रोग्राम रिटन इन जावा। तो क्या जावा, जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है तो वो किसमें इंटरप्रेट करेगा, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है सिर्फ उनको ही इंटरप्रेट करेगा ना वो, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड देखो, जावा और जावास्क्रिप्ट क्या दोनों सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं है। जावा आपकी एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट आपकी अलग लैंग्वेज है, दोनों में दिन रात का अंतर है। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी एम्बेड इन एचटीएमएल।
क्या जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर एम्बेड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जितने भी हमने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम करे हैं वो सारे कहाँ पे किए हैं? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब दूसरे भी पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर प्रोसेस द कमांड इन स्क्रिप्ट रिटन इन जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल, क्यों ये जावा का पढ़ेगा और क्यों जावा जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी सेम नहीं है? और एम्बेड हम कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड एंगुलर जेएस फिल्टर। तो फिल्टर के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। लोअर केस भी फिल्टर है, ऑर्डर बाय भी फिल्टर होता है, करेंसी भी फिल्टर होता है, अपर केस भी एक फिल्टर होता है आपका। ये फिल्टर के नाम है जो एंगुलर जेएस में हम यूज करते हैं, लेकिन ईमेल नाम का कोई भी फिल्टर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ईमेल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स बताना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक करी तो क्या आएगा आपका? डिजायर आउटपुट नहीं आएगी, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इफ आई इज इक्वल टू 5, बिल्कुल गलत है ये। सबसे पहली बात हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए चीजों का। इफ, उसके बाद सी ब्रैकेट आती है और इस सी ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें अपनी कंडीशन लिखनी है वो हम लिखेंगे। तो देख लो ऐसी सेम चीज कहाँ पे है, यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं आई, सिर्फ यहाँ यहाँ पे ब्रैकेट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, या फिर सेकेंड है एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन आर रिटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। एक्सप्रेशन को हम किसके अंदर लिखते हैं? डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायरेक्टिव इनिशियलाइज एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन अगर आपने यूज करी है तो सबसे पहले कौन सी हम डायरेक्टिव यूज करेंगे? एनजी एप डायरेक्टिव। इस डायरेक्टिव को देख के ही इंटरप्रेटर समझ जाता है कि अभी एंगुलर जीएस का कोड स्टार्ट हो गया है। तो जब भी आपको एंगुलर जीएस में कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो सबसे पहले आप इस डायरेक्टिव से क्या करोगे, स्टार्टिंग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिफाइंड एरे इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे। एरे क्या होता है? एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है जो यूजर ने बनाए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्रिमिटिव का मतलब जो पहले से बने बनाए हैं हमारे, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ये सारे क्या है हमारे? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो यूजर ने बनाए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उनमें से एरे भी
द बॉडी ऑफ द लूप, डिलीट अ प्रॉपर्टी, जो लूप की बॉडी है वो किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करते हैं, वो अभी तक एनुमरेट भी नहीं हुआ, तो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट बी एनुमरेटेड, वो प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, एनुमरेटेड नहीं होगी। यहाँ पे देखो, द प्रॉपर्टी विल बी स्टोर्ड इन कैशे, कैशे में स्टोर नहीं होगी, लूप विल नॉट रन, रन तो होगा लेकिन जो प्रॉपर्टी इन्होंने हटा दी, जैसे इन्होंने क्या कर रखा था, दो बार उसको प्रिंट करा रखा था, एक बार इसको हटा दिया, तो वो क्या होगा, एक बार ही प्रिंट, आप कुछ ऐसा इसको मान के चल सकते हो। आगे है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का क्या सिंबल होता है, तो डबल स्टार, जहाँ पे आपको दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या, जैसे मैंने लिखा 2 double star 3, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 multiply 2 multiply 2 4 2 4 4 2 8, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा, मतलब पावर का सिंबल, पावर का सिंबल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, डबल स्टार होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, नेम के थ्रू भी कर सकते हो, कोई क्लास आपने दे रखी है उसके थ्रू भी कर सकते हो, आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबो, तो आप इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ईच ऑफ विच हैज अ नेम एंड अ वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेयर ए इज इक्वल टू डबल, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी, ऑब्जेक्ट का नाम जिसके पहले आएगी नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू, कोलन देके इसकी वैल्यू आप दोगे, वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे लिखी अमित कोमा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, फिर कोलन देके इसकी वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट बंद, तो इसमें क्या होगा, नेम यूज करोगे और उसकी वैल्यू आप यूज करोगे, तो नेम एंड वैल्यू का पेयर जहाँ पे आपको दिखे उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको दिखे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वालिटी ऑफ टाइप एज वेल एज अ कंटेंट, अगर आपको क्या करना है, टाइप भी चेक करना है प्लस क्या करना है, उसकी वैल्यू भी चेक करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं, जैसे एक आपका होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जैसे मैंने यहाँ पे ए को क्या दिया 4, बी को मैंने दिया 3, मैंने अगर यहाँ पे लिखा ए डबल इक्वल टू बी, ये डबल इक्वल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वालिटी ऑपरेटर, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या ए और बी की वैल्यू सेम है, तो आप बताओ क्या ए और बी की वैल्यू सेम है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फोर्स, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4, एक मैंने नंबर में ले लिया, एक मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल बी, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है इक्वालिटी ऑपरेटर बोला जाता है इसको, ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू वैल्यू चेक करता है, ए के अंदर कितना है 4 और बी के अंदर कितना है 4, तो 4 = 4 है, तो ये आंसर क्या दे देगा, ट्रू, बट मेरे को इनकी डेटा टाइप भी चेक करनी है, मैं चाहती हूँ डेटा टाइप भी सेम हो, डेटा तो सेम हो प्लस डेटा टाइप भी सेम हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ए ट्रिपल इक्वल बी, ये ट्रिपल इक्वल कौन सा ऑपरेटर है आपका, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, यहाँ पे ये चेक क्या करेगा, वैल्यू तो करेगा करेगा, साथ में टाइप भी चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या है 4, एक स्ट्रिंग में है और एक किस में है, नंबर में, तो वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप आपकी डिफरेंट है, तो ये क्या आंसर देगा आपका, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4, आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो क्या चेक करता है आपका, कंटेंट और टाइप दोनों चीज चेक करेगा, और जो इक्वल ऑपरेटर है ये क्या चेक करेगा, सिर्फ कंटेंट कंटेंट, वो टाइप को नहीं देखेगा। डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर आपको जब भी वेरिएबल को करना है तो आप किसका यूज करोगे, सॉरी यहाँ पे इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को जब भी आपको इनिशियलाइज करना है तो एनजी ऐप को आप यूज करोगे, अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं उनको इनिशियलाइज करना है
तो वहां पर ये सेकंड वाली कॉल यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऐप का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर फॉलोइंग पर्पस। क्यों बनाए गए थे जावास्क्रिप्ट को, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड इन डेटाबेस ऑन सर्वर, नहीं। टू साइज, इसके लिए भी नहीं। टू परफॉर्म सर्वर साइज स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन, नहीं। ये किसके लिए बनाई गई थी, इंटरएक्टिव को बढ़ाने के लिए, ताकि हम HTML के अंदर इंटरएक्टिविटी बढ़ा पाए, यूजर ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जीएस इज ए टाइप ओपन सोर्स है, ये बैक एंड के लिए यूज करते हैं या फ्रंट एंड के लिए, तो किसके लिए यूज करते हैं हम, फ्रंट एंड के लिए। इसकी अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो एंगुलर जीएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ओपन सोर्स, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिजाइन। वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, ये डिफाइन करेगी कंटेंट ऑफ वेब पेज, नहीं। ये डिफाइन नहीं करती, ना ये लेआउट तैयार करती है। लेआउट कौन तैयार करेगा, HTML। और डिफाइन भी किसके थ्रू आप कर सकते हो, HTML के थ्रू। फोर्थ तो देख लेते हैं हम, फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ में है नन ऑफ दीज। और इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है कि जैसे अब मेरे को यहाँ पे ये कम करना है या ज्यादा करना है, तो ये सारी चीजें अगर आप किसी वेबसाइट में बना रहे हो तो किसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जब भी आपको वेब पेज का बिहेवियर चेंज करना है तो आप किसका यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉप मेथड ऑफ द एरे डज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। दो मेथड होते हैं, एक पुश होता है एक पॉप होता है। जैसे आप कहीं पे भी बड़ी बड़ी शॉप पे चले जाओ, मॉल्स वगैरह में चले जाओ, वहां पे पुश लिखा होता है, पुश एंड पुल। पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब होता है से धक्का मारना, मतलब कि पुश। पुश का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट करना। पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, हटाना चीजों को। तो पॉप जहां पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, डिलीट या फिर डिक्रीमेंट करना। और जहां पे भी आपको पुश दिखे, पुश का मतलब क्या होगा, पुश का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना या ऐड करना। जैसे मेरे पास तीन है एलिमेंट, मैं चौथा और ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ऐड कर सकती हूँ पुश पॉप, तो यहाँ पे चौथा ऐड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉप टू, तो ये क्या कर देगा, टू को डिलीट कर देगा। तो अगर पॉप आया हुआ तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट द टोटल लेंथ बाय वन। अगर यहाँ पे चार एलिमेंट है तो एक आपने पॉप कर दिया तो कितने रह जाएंगे, तीन। तो ये लेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव आर यूज इन एंगुलर जीएस। एंगुलर जीएस में आप एनजी ऐप को भी यूज कर सकते हो और एनजी इंट आई को भी आप यूज कर सकते हो। ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, और ये किसके लिए होती है, एप्लीकेशन की इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन। पहली बात, एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, रिटन इनसाइड डबल ब्रैकेट, ये बिल्कुल आपका ठीक है। इनवैलिड हमें ढूंढना है, रिटन इनसाइड द डायरेक्टिव एनजी बाइंड, एनजी बाइंड इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उसके बाद है रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज रिटर्न। जहां पे भी जिस भी टैग के अंदर आपने एक्सप्रेशन को यूज कर रखा है वहीं पे ये क्या देंगे, आपको आउटपुट दिखेगी इनकी। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं होता। अगर आपने लिखा 4+5 एंगुलर जेएस में करोगे तो आंसर 9 आएगा, और जावास्क्रिप्ट में करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आपका आंसर दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट में एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल ये डिफरेंट नहीं होते, सेम होते हैं। यहाँ पे भी 4+5 होंगे और एंगुलर जेएस में भी 4+5 अगर आप करके देखोगे, एक्सप्रेशन में लिखोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 9 मिलेगा। इन्होंने क्या लिख रखा है, डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होते, सेम होते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग IDE आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के लिए हम
किसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने HTML को, कोई प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए, तो ऐसे ही इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी लिख सकते हैं, क्लिप्स का भी यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव, हम इन सबका हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेथड और ऑपरेटर यूज टू आइडेंटिफाई द एरे, एरे है या नहीं, तो किसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये क्या बताएगा कि किस तरह का डेटा आपने एंटर करवा रखा है, ये कौन चेक करेगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर ही आपका चेक करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, टाइप ऑफ ऑपरेटर। कनेक्टिंग वेबसाइट टू द बैकएंड सर्वर, प्रोसेस डेटा एंड कंट्रोल बिहेवियर ऑफ द हायर लेयर, ऑल ऑफ दीज आर डन बाय, किसके थ्रू आप कर सकते हो। HTML के थ्रू तो आप या तो डिजाइन करोगे और लेआउट तैयार करोगे, CSS के थ्रू आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, JavaScript के थ्रू आप प्रोसेस भी करा सकते हो डेटा को, बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये किसके थ्रू आएगा, JavaScript के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल एवरीवेयर इन योर JavaScript। एवरीवेयर का मतलब है कि आपकी एक बहुत बड़ी फाइल है JavaScript की, ऐसा कोड जैसे मैंने लिख दिया वेर ए, ये पूरी की पूरी फाइल में आपको दिखे, तो आप इसको क्या बनाओगे, लोकल बनाओगे या ग्लोबल बनाओगे। हम इसको क्या बनाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। कैसे, जैसे हमारा आधार कार्ड है, आप ऑल ओवर द इंडिया या फिर बाहर भी अगर आप इसको दिखाओगे, एज अ आइडेंटिटी प्रूफ है आपका, ये हर जगह वैलिड है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी इंस्टीट्यूट का अगर आईडी कार्ड है तो वो सिर्फ वहीं चलेगा, वो बाहर काम नहीं आएगा आपका। तो ऐसे ही पूरी की पूरी फाइल में अगर उसका आप चाहते हो चलाना, तो आप उसको कैसे बनाओगे, ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड ABC, को आपको क्या करना है, कॉल करना है। स्क्रिप्ट एच रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते, नेम का भी यूज नहीं करते, स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे इन्होंने एंगुलर ब्रैकेट को बंद नहीं कर रखा, तो बचा कौन, बी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय दिस सिंबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेर ए 10, B इज इक्वल टू 5, तो जहाँ पे आपको मल्टीपल डिक्लेरेशन करनी है, तो आप इसको किसके थ्रू अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कोमा, तो क्या आंसर आएगा इसका, कोमा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू डिस्प्ले एंटर पासवर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स, इन्होंने वैसे आंसर दे ही दिया आपको, अलर्ट वार्निंग, जब भी आपको कोई ऐसा मैसेज दिखाना हो तो किसका यूज करोगे आप, अलर्ट का यूज करोगे। तीन तरह के पॉपअप बॉक्स होते हैं हमारे, अलर्ट होता है, कंफर्म होता है और प्रॉम्प्ट होता है। अलर्ट किस लिए यूज करते हैं हम, जब भी हमें कोई वार्निंग देनी हो या फिर कोई अलर्ट मैसेज हमें यूजर को देना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, अलर्ट का यूज करेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है, ये नोट है आपका, ये एंड का सिंबल है और ये किसका है, और का, ये कौन सा ऑपरेटर है एक बार बताना मेरे को, ये है आपका बिट वाइज एंड, तो ये आपका लॉजिकल में नहीं आता, ये किस में आएगा, बिट वाइज में। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिल्टर इन एंगुलर जेएस, तो अपर केस भी होता है, डेट भी होता है, करेंसी भी होता है, लोअर केस भी होता है, ये सारे क्या है एंगुलर जेएस में फिल्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, कौन सा ट्रू होता है आपका, एक्सप्रेशन बिहेव इन सेम वे एज एनजी बाइंड, जैसे एनजी बाइंड आपका बिहेव करता है, सेम वैसे ही कौन बिहेव करता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आर यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा, मतलब कि जो काम एनजी बाइंड का है ना, वही सेम किसका होता है, एक्सप्रेशन का होता है। इसको आप किस में लिखते हो, डबल करली ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस में मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक एप्लीकेशन है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एंगुलर जेएस क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, बहुत ही ईजी है, लास्ट है हमारा, दैट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक से अगर आपको बाहर आना है, कौन सी स्टेटमेंट का यूज करोगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका 6th चैप्टर खत्म होता है,
जितने भी पॉसिबल यहाँ पे एमसीक्यू बनते थे सारे वो मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं और मैंने अभी आपको समझाए भी हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कोई भी किसी भी टाइम कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो फिफ्थ चैप्टर है, जैसे फोर्थ चैप्टर आपका सीएसएस का है, फिफ्थ चैप्टर आपका फ्रेमवर्क का है, सीएसएस फ्रेमवर्क का, और सिक्स्थ चैप्टर आपका जावास्क्रिप्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ये एमक्यू मॉड्यूल में। तो कल हम कोशिश करेंगे फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट करने की। और जैसे ही आपको ये पीडीएफ मिले, और पीडीएफ मैंने हमने ग्रुप में पहले ही शेयर कर रखी है, इनको आप जान से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। स्टिल फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप किसी भी टाइम हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।